Dear students, in this module we are going to discuss religion and society from three major perspectives point of view. Functionalist perspective views religion as a social institution that helps to maintain social order and social cohesion in society. Functionalist chongke is the belief that whatever or whatever institution exists in society exists because of its functional nature. और उस ऑब्जेक्ट का या उस इंस्टीट्यूशन का जो मेन मकसद होता है वो माशरे के अंदर अमन व अमान की सूरत हाल को बरकरार रखना होता है तो इसी तरह से जो रिलीजन है इसका भी वो इम्पोर्टेंट फंक्शन ये देखते हैं कि रिलीजन से जो है वो हम सोशल ऑर्डर को मेंटेन रख सकते हैं और लोगों के दरमियान जो है वो यगानगत और हम का एक ताल्लुक जो है बनाने में हेल्प करता है

पावर की खातिर और रिसोर्स की खातिर तो इसी वजह से रिलीजन को भी जो है ये एक टूल के तौर पे देखते हैं ताकि एक ग्रुप जो है जो डोमिनेटिंग पोजिशन के ऊपर होता है वो डोमिनेटेड ग्रुप को जो है या सबॉर्डिनेट ग्रुप को इस मज़हब के मज़हब को यूज़ करते हुए वेपन या एज़ आ टूल यूज़ करते हुए उनको जो है उस सबॉर्डीनेट पोजीशन के ऊपर बरकरार रखे जैसे कि हम देखते हैं कि मज़हब के अंदर बहुत से ऐसे अकायद होते हैं जिनकी वजह से लोग ये समझते हैं कि हम जिस कंडीशन के अंदर पैदा हुए हैं शायद ये खुदा की रज़ा या मर्जी थी और इस वजह से हमें इसके हवाले से जद्दोजहद नहीं करनी चाहिए और ये हमारी तकदीर या किस्मत का हिस्सा है तो फंक्शनस्ट परस्पेक्टिव से जब इसको देखा जाता है तो वो ये कहते हैं कि इस तरह के अकायद हैं जो कि लोगों को मोटिवेट नहीं करते रेवोल्यूशन की तरफ और लोग जो हैं वो अपनी उसी कंडीशन के हवाले से अपने आप को ज़िम्मेदार ठहराना शुरू कर देते हैं या खुदा को ज़िम्मेदार ठहराना शुरू कर देते हैं जबकि असल ज़िम्मेदार उनकी इस हालत का जो है वो शायद ऐसा तबका होता है जो उनको कंटिन्यूसली एक्सप्लॉइट करता रहता है दैन वी हैव इंटरैक्शन इस परस्पेक्टिव फोकसज़ ऑन हाउ इंडिविजुअल्स इंटरैक्ट विद रिलीजन एंड हाउ रिलीजन शेप्स देयर बिलीव्स एंड बिहेवियर तो आ, ये चूँकि यूज़ ऑफ़ सिंबल्स और उनके मीनिंग्स के ऊपर बिलीफ रखते हैं इंटरेक्शनिस्ट का ख्याल है कि माशरे के अंदर जो भी अकायद नज़रियात ख़्याल या तस्वूर पैदा होते हैं वो हमारे एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन की बदौलत पैदा होते हैं उन शेयरड सिम्बल्स और मीनंगस की वजह से पैदा होते हैं जो कि हम मीनस ऑफ कम्यूनिकेशन के थ्रू जो है एक दूसरे को ट्रांसमिट करते हैं तो रिलीजन या रिलीज़स बिलीफ भी जो हैं ये भी सोशली कंस्ट्रक्टेड होते हैं और सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ़ रियलिटी के अंदर जो अहम रोल होता है वो हमारे इन्हीं कम्युनिकेशन पैटर्न्स का होता है पाकिस्तान के अंदर मौजूद जो हमारा प्रिडामेंट रिलीजन है इस्लाम उसको अगर हम इन तीनों पर्सपेक्टिव्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो फंक्शनलिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये है कि एनअल इस्लामिक पिलग्रमेज टू मक्का जिसको हम हज भी कहते हैं

बिहेवियर में जो है उनका कोऑपरेशन बरकरार रहता है कॉन्फ्लिक्ट uh, पर्सपेक्टिव से अगर देखें तो जो ऑन गोइंग सेक्टेरियन वायलेंस है शिया सुन्नी के दरमियान और इस तरह से और बाकी ग्रोहों के दरमियान तो वो इसको इस अंदाज़ से देखते हैं कि मजहब को जो है वो हमेशा एक्सप्लॉइट किया जाता है यूज़ किया जाता है एज़ अ टूल ताकि लोगों को जो है सबजुगेट रखा जा सके उनको एक्सप्लॉइट किया जा सके पोलिटिकल पर्पजस के लिए इसी तरह से अगर हम सिंबॉलिक इंटरेक्शन की बात करें तो वो कहते हैं कि इसके अंदर मौजूद डिफरेंट जो रिचुअल्स हैं जो रसूमात हैं जो रिलीजस प्रैक्टिस हैं वो उनकी मदद से हम असल में अपनी ज़िंदगी के रोज़मर जो अवात हैं या अपनी ज़िंदगी के रोज़मर वामिल जो हैं उनके अंदर उनका इस्तेमाल करते हुए हम अपने इंटरेक्शनल पैटर्नस डेवलप करते हैं और यही इंटरेक्शनल पैटर्नस जो हैं वो सिम्बोलिकली हमारी डिफरेंट रिलीजियस प्रैक्टिस के अंदर रिफ्लेक्ट होते हैं तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू सी के इट्स अ फूड फॉर थाट फॉर यू एज़ वेल के ये देखा जाए कि पाकिस्तान के अंदर जो मजहबी अकायद हैं उनकी जो रिलीजियस प्रैक्टिसज़ हैं वो किस तरह से रिफ्लेक्ट होती हैं और उनकी क्या सिम्बॉलिक वैल्यू यूटिलिटी या सिग्निफिकेंस है और ख़ास तौर पर हम देखें कि मस्जिद का जो एक माहौल होता है उसके अंदर कौन कौन सी ऐसी सिम्बोलिक वैल्यूज़ होती हैं जिनके ज़रिए मजबी अकायद जो हैं वो सिम्बोलिकली इंटरेक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो एक दूसरे को ना सिर्फ कम्युनिकेट हो रहे होते हैं बल्कि उसके ज़रिए जो है, है वो हम आ, एक किस्म का स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस भी गेन कर रहे होते हैं सो इट्स अ फूड फॉर थॉट फॉर यू टू हैव एन ऑब्जर्वेशन अ डीप ऑब्ज़रवेशन फ्राम सिम्बॉलिक्ट्रैक्शन इस पॉइंट ऑफ व्यू वेन यू गोइंग टू द मॉस